वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जरूर अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का, अभी बज रहा है 8:30 और मेरा हो गया है काम स्टार्ट। तो आज हम लोगों ने नाश्ता वास्ता थोड़ा जल्दी कर लिया है, तो अभी काम हो रहा है खाना, जो मेरा चावल बन गया है, रेडी हो गया। तो यहाँ पे अभी दाल चढ़ा रही हूँ मैं, तो अलग टाइप का है थोड़ा, दाल आज बन रहा है खाने में, तो वही बना रही हूँ। देख सकते हैं कि प्याज मेरा हो रहा है फ्राई और मुझे इसमें अभी डालना है मसाला, पेस्ट करके मैंने रखा है अदरक लहसुन का, वो डालूंगी। तो उसमें डालना है अभी, देखिए कि मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने करके रखा था। अब इसे अच्छे से भून लेना है और इसमें थोड़ा सूखा मसाला भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा था ना अदरक लहसुन, इस वजह से पिसा नहीं है अच्छे से, तो कोई बात नहीं, गल जाएगा इसी में। ये देख सकते हैं लहसुन का पीस रह गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसे थोड़ा भून लेना है अच्छे से, ताकि जो मसाला का जो ये होता है ना स्मेल, थोड़ा वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाए, इस वजह से इसे भूनना है थोड़ा। और इसमें सारा सूखा मसाला भी ऐड करेंगे। ये थोड़ा भून गया है और इसमें मैं अब सूखा मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पर हल्दी मिर्च पाउडर मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, ताकि सूखा मसाला है ना तो जले नहीं, इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए पेस्ट जैसा हो जाएगा ना, थोड़ा पानी दे देने से मतलब वे मिक्स हो जाता है ना, तो ठीक रहता है इस तरह से। अब इसको भी ऐड कर देते हैं। सिंपल सा ये दाल बनता है ना, इसका बहुत ही टेस्टी बनता है ये दाल, ऐसा मूंग का दाल मैं बना रही हूँ। मूंग दाल होता है ना वो है, मतलब छिलका वाला नहीं है, बगैर छिलका, बिना छिलका वाला जो होता है मूंग दाल वो है, येलो वाला। तो उसे भी अब इसमें नमक भी ऐड करना है मुझे, तो कम दाल बना रही हूँ मैं, तो मैं अपने हिसाब से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, हाफ चम्मच मैंने डाला है, हाफ टी स्पून है, क्योंकि दाल थोड़ा सा है ना, तो इस वजह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब अब यहाँ पे देखिए अच्छे से मसाले जो है भून चुका है मतलब। तो इसमें आप ऐड करते हैं, ये जो है टमाटर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का, ये भी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से चला लेना है और थोड़ा सा इसको पकने देंगे, ताकि टमाटर जो है गल जाए, 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें, ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए और स्मूथ हो जाए मसाला जो है वो, और टमाटर भी मतलब अच्छे से गल जाए इस वजह से। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया इसमें, तो इसको पकने देंगे थोड़ा। थोड़ा और पानी डाल देते हैं, कम लग रहा है, तो इसे पकने देते हैं हम 5 से 7 मिनट के लिए, ढक करके इसको पकने देंगे, इसको ढक देते हैं। तो ढक करके 5 से 7 मिनट इसको पकने देना है। आ दिया है वहाँ पे मसाला और अभी जाएंगे चेक करते हैं थोड़ी देर में। 5 से 7 मिनट के लिए चढ़ाया है और यहाँ पे यासिर अभी खेल कर रहा है, यासिर कर रहा है अपना खेल, खेल रहा है वो। तो आज तो इसका ट्यूशन छुट्टी है ना, सैटरडे है, इस वजह से है ना, ना यासिर बहुत खुश है ये, क्या हुआ? और होमवर्क नहीं करना है तुमको? हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यासिर, होमवर्क करना है तुमको? क्या बोल रहे हैं बोलो ना, सुन रहे हो? ऊपर ऊपर यहाँ देखो, ओहो ये सब खेल कर रहा है, पता नहीं क्या क्या जमा करके रखा है ये इसमें। हाँ चॉकलेट का है ना रैपर रखा है ये सब, चॉकलेट का जो है। खाना बना रहे हो किसके लिए? हाँ बताओ बताओ, खाना बना रहा है हम लोग के लिए ना, पापा के लिए, पापा तो काम में गए ना, तो पापा के लिए खाना बना रहा है ना, कि पापा आएंगे तो जल्दी से खाएंगे है ना। वाह क्या खाना बना रहे हो बताओ, हाँ क्या बना रहे हो बोलो? राइस बॉल, हाँ राइस बॉल, राइस बॉल बना रहा है ये है ना, शिनचैन में देखता है वैसे ही राइस बॉल बना रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि मसाला हो गया या नहीं। तो देख सकते हैं कि मसाला जो है वो हो गया अच्छे से,
देखिए टमाटर भी गल गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे अब जो मूंग दाल मैंने रखा ना भिगो करके उसे ऐड कर देंगे। कहते हैं कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है मूंग दाल जो मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है चलाते हुए। बहुत सिंपल बनता है मगर बहुत टेस्टी होता है, झटपट से बन जाता है ये। आप चावल से भी ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा, रोटी के साथ तो और भी अच्छा लगता है खाने में, तो मैं हमेशा इसे ऐसे बनाती हूँ, अच्छा लगता है। जैसे कभी समझ में नहीं आ रहा है सब्ज़ी तो ये भी बना सकते हैं रोटी के साथ खाने के लिए, रात में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, तब इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा ही सा मैंने डाला है इसमें, देख सकते हैं इसमें पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे ढक करके पकने देंगे। जा रहे हैं यासिर के पापा, अभी चले गए हैं, तो लगा दिया है मैंने। यासिर यहाँ पे देख रहा है टीवी, है ना, टीवी देख रहा है, टीवी चल रहा है वही देख रहा है वो। सारा अभी कपड़ा पड़ा हुआ है तो अभी मुझे इसे मैं करूंगी, या फिर ज़ारा है तो ज़ारा कर लेगी, कोई भी कर लेगा। तो उसे अभी फोल्ड करके रखना है, सारा कपड़ा धुला हुआ है सब, तो मैंने धोया था जो वो सब था सूख गया है, तो इसे फोल्ड करना है अभी। और वहाँ पे दाल चढ़ा हुआ है उसे भी चेक कर लेते हैं, जाते हैं अभी। पे देखिए ज़ारा फोल्ड कर रही है कपड़ा, सारा रखा हुआ था ना तो वो फोल्ड कर दे रही है, तो अच्छी बात है, चलो काम में हेल्प हो जाता है मेरा, ज़ारा कर देती है तो, है ना ज़ारा, तो कर लो सारा फोल्ड, हाँ अच्छे से कर लेना। और ना बाहर में बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है, देख सकते हैं ना पत्ता है जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और धूप भी बहुत, मतलब कड़ाके का धूप है, बहुत गर्म है यहाँ पे। और कई दिन से ना बारिश हो जा रहा है, मतलब अचानक से बारिश हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे। तो आप लोगों के यहाँ कैसा है वेदर मौसम? अभी यहाँ पे तो बहुत गर्म है, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ारा ने यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा मेरा फोल्ड कर दिए वो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरह से सारा फोल्ड कर दी है। तो इस तरह से ये घर पे रहती है ना, तो बहुत सारा ये है कि मेरा हेल्प कर देती है इस तरह से, वाह बहुत अच्छा की है। चलो एक काम तो हो गया मेरा बस, और वहाँ पे सिर्फ दाल, मतलब जो काम किचन का है वो भी हो जाएगा, तो सिर्फ चूल्हा किचन को सिर्फ साफ़ सफाई का रह जाएगा मेरा काम, तो ये हो गया है, चलो अच्छा है। ये अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दाल हो गया या नहीं, तो अब तो हो जाना चाहिए दाल, देखते हैं। गरम है, ओहो हो, तो यहाँ पे देखिए दाल भी हो गया है, तो रेडी हो गया है ये देखिए इस तरह से, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसा दाल, तो हो गया है रेडी। और धनिया पत्ता था नहीं ना, ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं तो ऊपर से डाल देने से और भी अच्छा लगता है टेस्ट। तो ये देखिए हो गया है रेडी, तो अब चल के ऑफ कर देते हैं। अब दूध सिर्फ मुझे बॉईल करना है, तो दूध बॉईल कर लेते हैं, इसे हो गया ये, ढक देते हैं इसको। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और इसे रोटी से खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अब हो गया, अब इसको रख देते हैं उतार करके, मैं पहले बॉईल कर लूँगी दूध। दूध में भी उबाल आने लगा है, तो और यहाँ पे ज़ारा का भी छुट्टी चल रहा है ना, तो घर पे वो रहती है, तो उसको मैंने दे दिया था फोल्ड करने, तो देखा आप लोगों ने वो फोल्ड कर दी है, तो कपड़ा सारा वो फोल्ड कर दिए, और घर का मतलब साफ सफाई भी थोड़ा कर लेती है ना, तो इससे मुझे थोड़ा आराम हो जाता है, इस तरह से काम कर लेती है ना, तो बेटियाँ रहने से यही फ़ायदा होता है ना माँ को, तो इस तरह से काम में मदद हो जाता है, हेल्प हो जाता है थोड़ा, बहुत ही अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत कर लेती है ना तो भी बहुत ही आराम हो जाता है। इस तरह से मैं उसे कराती रहती हूँ, और आदत भी होता है, तो पढ़ाई भी करती है साथ साथ। और अभी पढ़ाई, अभी मतलब स्कूल का छुट्टी है उसका, तो पूजा का तो छुट्टी चल रहा है ना, तो अभी स्कूल खुला नहीं है, खुल जाएगा एक हफ्ते बाद खुल जाएगा, तो अभी घर पे रहती है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत और भी कर लेती है काम, यही बात है। देख सकते हैं साथ साथ मेरा दूध भी उबाल आ गया है दूध में भी, तो चलते हैं आप, दूध भी बॉयल हो गया है साथ साथ,
दूध उबाल उबल गया है। अब यहाँ का किचन का सारा जो है काम मेरा हो गया है। अब सिर्फ साफ़ सफाई है करना, तो चूल्हा वूल्हा जो है ये सब साफ़ सफाई कर लेंगे। ऐसे साफ़ है लेकिन फिर भी कर लेंगे एक बार पूरा अच्छी तरह से। खाना बनने के बाद मैं कर लेती हूँ तो अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाने से तो किचन में मन लगता है ना काम करने में। तो इस तरह से अब मैं इसे बंद ऑफ कर देती हूँ गैस को। हो गया है दूध, तो अब चलते हैं। मैंने देखा ना, ज़ारा ने सारा मतलब मेरा कपड़ा जो है वो फोल्ड करके रख दिया है, तो दिखाया मैंने आप लोगों को अभी। और तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी मुझे सिर्फ साफ़ सफाई करना है किचन का और मुझे नहाने जाना है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ तक का छोटा सा मेरा ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।